लॉकडाउन के कारण देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी श्रमिक और छात्र फंसे हुए हैं। ऐसे में विदेश में फंसे अपनों को लेकर परिजन चिंतित हैं। खाड़ी देशों में फंसे भारतीयों के परिजनों के अनुसार जब से कोरोना संक्रमण शुरू हुआ है विदेश में फंसे लोग बेरोजगार हो गए हैं। करीब 2 महीने बीत जाने के बाद अब कामगारों के सामने खाने पीने का संकट मंडरा रहा है और इस समस्या को लेकर प्रतापगढ़ के धरियावद में परिजनों ने विदेश में फंसे लोगों की वतन वापसी को लेकर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम SDM को ज्ञापन सौंपा। सरकार से हमारी यही विनती है कि हमारे जो भी भाई बंधु जो भी हमारे संभाग से जो फंसे हुए हैं खासकर खाड़ी देशों में और खासकर कुवैत में जो फंसे हुए हैं और सरकार से हम विनती करते हैं कि उनको सकुशल और सरकार के खर्चे से उनको हमारे देश में लाया जाए। उनके बहुत बहुत विपत्ति पड़ रही है। 3-4 महीने से ऑलरेडी वो मतलब बेरोजगार हैं और बेरोजगारी के साथ ही इस महामारी में भी फंसे हुए जिसको अपना राशन भी प्राप्त नहीं उपलब्ध हो पा रहा है। मतलब तो सरकार से विनती है कि जैसे तैसे करके और सरकारी खर्चे पे मतलब उनको यहाँ लाने की व्यवस्था की।